जितना काम इस पीरियड में हुआ है खास करके किशनपुर से उतना कभी नहीं हुआ है। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो, किसको चुन रहे हो? सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। काम क्या, आम आदमी पार्टी भी, एम पार्टी भी है और भाजपा भी है, तो क्या रहेगा? कोई किसी का वजूद नहीं है, कोई किसी का वजूद। लक्ष्मी खंडेलवी साहब है आपके यहाँ? लक्ष्मी खंडेलवी बच्चा है, कौन मुझे है? पचास वोट नहीं मिलेंगे उसको, उसके घर के वोट ही नहीं मिलेंगे उसको, घर के वोट नहीं मिलेंगे उसको। नाम जानना चाहूंगा। नाम राजकुमार दानका। राजकुमार साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं सिविल लाइन रहता हूँ, पूर्व महामंत्री हूँ शहर कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, तो कांग्रेस की बड़ाइयाँ करेंगे आप तो खूब है। इस बार आम आदमी और एआईएम पार्टी आई तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों के लिए कि इनका राजस्थान में कोई चलत नहीं है। इन दोनों पार्टियों का राजस्थान में चलत नहीं है। आम आदमी पार्टी है, एक एआईएम पार्टी है, उनको क्या वोट पड़ेगा आपको? आम तो सब आम ही है, गर्मियों का मौसम में आता है आम, तो अभी कहाँ आएगा आम? तभी अब और पार्टी चिल्लाते रहो, करते रहो। ओवैसी साहब की पार्टी जो कहा रहे को ओबीसी साहब कोई काम नहीं करते, यहाँ पे कोई काम करने नहीं आएंगे ओबीसी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज हमारे साथ मौजूद है किशन पोल की जनता, जो बताएगी किशन पोल में पिछले 5 सालों में कि अमीन कागजी जो विधायक है इनके द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या अभी समस्याएं बची है। सब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम महमूद खान है, मैं जालूपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने ये देखा है कि मोहनलाल गुप्ता जी के टाइम पर 10 साल तक उन्होंने यहाँ पर रहे किशनपुर बाज़ार में, छेतर में, जो जो उन्होंने जो यहाँ की देखी है, उन्होंने इतना काम नहीं कराया जितना अमीन भाई ने काम कराया और हर वार्ड के अंदर काम कराया। और मैं तो किशनपुर की जनता से, किशनपुर छेतर वालों से यही कहूँगा कि सब लोग मिलकर के, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सब मिलकर के इनको वोट दो। ये सबका काम करते हैं, सबको अपना मानते हैं, ये इनको वोट देना चाहिए आप लोगों को। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा विकास चाहते थे और कौन सा विकास हुआ है? विकास देखो, एक तो हमारे मोहल्ले में सब जगह जो है ना, मैं जाता हूँ किशनपुर क्षेत्र में और पूरे जयपुर में ही घूमता रहता हूँ, रोडों का काम हुआ है, हेडपम्प लगे हैं, बिजली की कोई शिकायत नहीं, पानी की कोई शिकायत नहीं है। और कोई भी हम काम लेके जाते हैं तो यामीन भाई हमारा काम कराते हैं। आपका क्या नाम है सर? हसन खान। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ खंडेला हाउस में रहता हूँ, अंबर टावर के पीछे। कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा रहा या कैसा? कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा। पिछले जितने भी, मतलब ये 10-15 साल की बात नहीं कर रहा मैं, हमेशा से किशनपुर क्षेत्र में जितना काम इस पीरियड में हुआ है खास करके किशनपुर क्षेत्र, उतना कभी नहीं हुआ। मेन चीज़ तो यहाँ जो है ना, एक तो लड़कियों की कॉलेज बना दी, स्कूल बना दिया, जो कि बच्चों के लिए बहुत अचीवमेंट है, और एक सेटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है जो हमारे जो है ना बच्चों के काम आएगा आगे तक, वो एक बहुत बड़ा मेन काम इन्होंने किया है जो आज तक तो कोई नहीं कर पाया। बाकी जो ये सड़क की वगैरह ये समस्या तो है ही नहीं है। पानी भी और क्या समस्या बची आपके यहाँ? हम ये चाहते हैं कि एक तो यहाँ पार्किंग हो, कोई यहाँ MLA क्वार्टर्स की यहाँ पार्किंग बन जाए, एक जनउपयोगी भवन की एक जरूरी आवश्यकता है इस एरिया को, वो ये आ जाएंगे तो हमें उम्मीद है ये बनवा देंगे। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो, किसको चुन रहे हो? सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। काम क्या, आम आदमी पार्टी भी, AIM पार्टी भी है और भाजपा भी है, तो क्या रहेगा? कोई किसी का वजूद नहीं है, कोई किसी का वजूद नहीं है, हैं? अब ये जो है ना, मतलब क्योंकि लोग अगर काम को देखेंगे पूरे राजस्थान में, मैं जब किशनपुर की नहीं बात कर रहा, अगर कांग्रेस के वर्क के ऊपर ध्यान देंगे तो कांग्रेस बहुत बहुमत से जीते। अगर आप और इन किसी औरों की बहकावे में, धार्मिक भावनाओं में बहोगे तो वो गलत हो जाएगा। विकास इतना हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। सब आपका नाम जानना चाहूँगा। इकबाल खान। कहाँ रहते हैं सर? जालूपुरा। जालूपुरा में कैसा विकास रहा? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा रहा? अच्छा रहा। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो, किसको? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। किशनपुर में किसको वोट दोगे आप? किशनपुर में अमीन कागजी को। इस बार AIM भी है, आम आदमी भी है, तो क्या महत्व नहीं है? रफी खंडेलवी साहब है आपके यहाँ? रफी खंडेलवी बच्चा है, उसको कौन पूछा है? पचास वोट नहीं मिलेंगे उसको, उसके घर के वोट ही नहीं मिलेंगे उसको, घर के ही वोट नहीं मिलेंगे उसको। अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है कि आज दिन तक किसी ने नहीं किया, कोई 25 लाख रुपए का मतलब इलाज फ्री नहीं करा आज तक 70 साल। वो जिस रफी खंडेलवी जिस पार्टी से खड़े हुए हैं ना, वो तो आइसोलेटेड पार्टी है, वो तो जो है ना, मतलब छूट की बीमारी है, वो तो जो है ना हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहती है।
वो तो जो हम लड़ना नहीं चाहते। ओवैसी साहब का तो आज तक ऐसा कोई बयान नहीं देखा हमने। वो तो हमेशा उसको बयान ही उधर से आता है, ऐसा कोई बयान नहीं देखा। नरगल बयान आते हैं, दिखा दीजिए। वो एक कौम की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कौम की। तो कहाँ गंगापुर में आग पंखीलाल मीणा जी को दिया ना टिकट अभी? नहीं, वो इनॉल देखो आप, उसके भाषण सुनो। इनॉल जो एक कौम की बात करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक कौम की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे कौम की वो हिंदू गलत नहीं कहते। वो जो है ना, मतलब देश का दुश्मन है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एएमआई को हो, चाहे कोई भी हो, वो सबके विकास की बात करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तो देश उन्नति करेगा, अदरवाइज देश नुकसान में जाएगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम राजकुमार दानका। राजकुमार साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं सिविल लाइन रहता हूँ, पूर्व महामंत्री हूँ शहर कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, तो कांग्रेस की बड़ाइयाँ करेंगे आप तो खूब है। नहीं, बड़ाई की बात तो ये है कि बड़ाई अगर मैं आपसे करूँगा तो आप पत्रकार हैं, बिल्कुल आप भी देख रहे हो, आप भी घूमते हो चारों तरफ, तो उसमें अगर मैं कोई अगर बड़ाई की बात करूँगा तो शोर उसके अंदर आप भी तो उसका चिंतन करोगे, मनन करोगे, देखोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। बड़ाई करना, झूठ कितनी बोली जा सकती है, सच तो सच्ची होती है, और प्रेस के सामने तो झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। प्रेस के सामने तो जो बात होती है। आपके जो विधायक साहब है अमीन गागी साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत बहुत बढ़िया रहा, कार्यकाल तारीफ करना चाहिए। जबकि ये तीन साल दो साल कोरोना के रहे, दो तीन साल वो कोरोना काल में खत्म चले गया, और तीन साल उनको जो मिले, हालांकि उनके खुद के भी कोरोना हो गया था, लेकिन उस कोरोना काल के अंदर भी आम लोगों तक उन्होंने जो है ना सब जो है ना रसद भिजवाया और उनकी मदद करी है पूरी तरीके से। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के मामले में तो इन्होंने बता ही दिया, और जहाँ अगर धर्म की बात करते हैं तो उन्होंने 6 करोड़ रुपये मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए लगाए, और चांदपुर शमशान घाट को उन्होंने करवाया, गुरुद्वारे का उन्होंने काम कराया। तो उनके अंदर वो कोई धर्म वाली बात नहीं है, उन्होंने जो एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म होता है, जनप्रतिनिधि का क्या धर्म होता है, जनता उसको क्यों वोट देती है? काम के लिए वोट देती है, और वो जो वोट देने वाले होते हैं वो सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं, परेशानियां सबके सामने होती है, वार्ड की हो चाहे किसी भी विधानसभा की हो, वो एक जनप्रतिनिधि सबका होता है। जहाँ तक कांग्रेस इस बार बीजेपी ने चंद्रमोहन बटवाड़ा जी को जो टिकट दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वो जो आए हैं वो एक तो अपरिचित नाम है, बीजेपी के लिए भी अपरिचित नाम है। अगर कोई चर्चित चेहरा है, आप भी जानते हैं इस बात को, और किशनपुर विधानसभा की जनता भी इस बात को जानती है कि वो अपरिचित चेहरे हैं। पार्षद भी तो रहे हैं, वो तो पार्षद रहे हैं, वो पार्षद क्या पता कब रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को 30-40 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए। अब जहाँ पार्षद की बात होती है, अब एमएलए की बात एक अलग होती है जो विधानसभा को डील करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि क्या पता बीजेपी ने क्या समझ के उनको टिकट दिया है। ये किशनपोल की जनता, शायद बीजेपी के जो वर्कर हैं जो टिकट वहाँ से मांग रहे थे, उनके सामने भी ये एक चीज़ आई है कि किस आधार के ऊपर बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, जबकि बीजेपी के भी अच्छे लीडर थे वहाँ, ऐसा कुछ नहीं था। मोहनलाल गुप्ता भी थे, और अभी जो अभी हमारे जो वो क्या नाम था उनका, हाँ ज्योति तांबी जी है, ज्योति जी अभी आई है कांग्रेस में, वो भी वहाँ की रही है। तो अब उनके अंदर से चयन न करके ये जो एक चयन करा है, तो ये एक तरह से बहुत ही अचंभित होने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि उसका क्या आधार है, क्या मापदंड है। आपके विधायक साहब कितने वोटों से जीत रहे हैं? हमारे जो विधायक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, 35-40 हज़ार वोटों से वो लीड कर रहे हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम इकराम है। कहाँ रहते हैं? जी मैं सीकर हाउस कपड़ा मार्केट रहता हूँ। कैसा कार्यकाल रहा, क्या बदलाव चाहते थे आप, और क्या बदलाव हो पाया या नहीं पाया? कार्यकाल अगर किशनपोल को लेके बात करेंगे या राजस्थान सरकार के ऊपर बात करेंगे, देखो किशनपोल का कार्यकाल तो मैं समझता हूँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया से हो, मीडिया से आप अपने कैमरे किशनपोल पर पिछले 15 वर्षों को देखते हुए आज के 5 वर्षों को, जिसमें विधायक अमीन कागजी साहब को सिर्फ 5 साल का मौका मिला था, और उस 5 साल के मौके के अंदर अमीन भाई के साथ 2 वर्षों की घटना हुई, जिसमें लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल लग गया, उसके बावजूद भी किशनपोल के अंदर मैं मानता हूँ कि पिछले जो 15 वर्षों से मोहनलाल जी विधायक थे, वो अपनी प्रमुखता यानी किसी प्रमुख बिल्डिंग को नहीं गिना सकते। आज किशनपोल के अंदर अगर अपन जगह ढूँढे, मैं मानता हूँ कहीं भी जगह ढूंढे, चाहे सुदामापुरी हो, चाहे अपने 67 वार्ड हो, चाहे जोरी बाजार हो, देखने वाली बात मैं आपको सबसे मुख्य बात बताता हूँ कि आज उठाकर देखो कटला बाज़ार,
कटला बाजार के अंदर व्यापारियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा करी अमीन भाई ने कि जिसमें कभी गैस के लिए आग लग जाया करती थी वो सुविधा दिलाई, मंदिरों पे कार्य किया, मंदिरों पे कार्य किया, शमशान में कार्य किया, कब्रस्तानों में कार्य किया, शिक्षा पे काम किया, सड़कों पे काम किया, सीवरेज पे काम किया। अन्यथा मैं काम के कार्य हमारी एक बुक छप रही है किसनपोल विधानसभा से, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, उस बुक्स में कोई चीज़ अगर गलत छपी हो विधायक साहब की तरफ से तो आप हमारे पे मीडिया के माध्यम से केस कर सकते हैं। हमारे कार्य जनता के सामने किसनपोल के, रही बात सरकार की और कांग्रेस की, तो गहलोत साहब के काम, महंगाई राहत कैंप की योजनाएँ देख सकते हैं आप, अभी हमने एक साथ योजना नहीं दी है कांग्रेस पार्टी ने। अभी आपके अकॉर्डिंग क्या समस्या बची है आप किसनपोल में? किसनपोल में ऐसी कोई खास विशेष समस्या नहीं है, और रही बात ऐसी कुछ समय की कमी देखते हुए जो हमारे 1.5 से 2 साल खराब हुए हैं उसमें 2-5% कमियां रह जाती है, जैसे कि एक दो किसी वार्ड में कोई कमी आए उसको हम आने वाले समय में दूर करेंगे। और बाकी जनता का संदेश है कि पिछले बार से ज़्यादा भारी मतों से, और सर समाज के नेता हैं अमीन भाई, किसी एक मजहब के लिए नेता नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से वोट होगा और अमीन भाई विजय होंगे। सर आपका क्या नाम है? रफीक का नाम है। कहाँ रहते हैं साहब? किशनपुर क्षेत्र में रहते हैं। कैसा कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहोगे, किसको वोट दे रहे हो इस बार? कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है, बनाम 15 साल के 5 साल, जो 15 साल में जो काम विकास कुछ ना होता कोई 5 साल में हुआ है, और वोट कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे विधायक अमीन कागजी बनेंगे। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इस बार आम आदमी और एआईएम पार्टी आई तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों के लिए कि इनका राजस्थान में कोई चलत नहीं है, इन दोनों पार्टियों का राजस्थान में चलत नहीं है। मैं मानता हूँ पंजाब में और दिल्ली में इन लोगों ने सरकार बना ली, राजस्थान में चलत है दो पार्टी का चलत है, बीजेपी कांग्रेस। इस पार्टी का इससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी ट्राई कर गई, मायावती जैसी पार्टी ट्राई कर गई, दसियों साल उन्होंने काम किया है, और अपने अखिलेश जी की पार्टी है यह भी, केजरीवाल जी की पार्टी कितने वर्षों से, 10 साल से 12 साल से MI पार्टी, इन पार्टियों का राजस्थान चलत नहीं है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने से राजस्थान पे इन दोनों पार्टियों का, हमारे पे इनकूल कोई राजस्थान पर फर्क नहीं पड़ता इन पार्टियों से। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक है अमीन कागजी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। आज तक कोई इधर आया ही नहीं कार्यकर्ता, अब ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो, बहुत बढ़िया काम। क्या बढ़िया रहा? अरे हर चीज़ की सुविधा है, सड़क देखो, पानी देखो, बिजली देखो, हर चीज़ की सुविधा, हर जगह नया सड़क रोड बना रहा है, गलियों में क्या, मेन रोड पर क्या, हर जगह मतलब है ना नई सड़क बन रही है, अभी इसी ज़्यादा और जगह। पर आपका वोट कांग्रेस को? अजी पक्का, 100% पक्का, और आएगी इंशाल्लाह सर, फिर आएगी कांग्रेस। एक आम आदमी पार्टी है, एक AIM पार्टी है, उनको क्या वोट पड़ेगा आपका? तो आम तो सब आम ही है, गर्मियों का मौसम में आता है आम, तो अभी कहाँ आएगा आम, अभी अब और पार्टी चिल्ला दे रहो, कर दे रहो। ओवैसी साहब की पार्टी जो कहा रहे ओवैसी साहब कोई काम नहीं करते, यहाँ पे कोई काम करने नहीं आएंगे ओवैसी साहब, समझे? हमारे यहाँ का जो नेता है जो काम कर रहा है, क्या वो इसकी जगह और भी अमीन भाई की जगह और भी कोई हो काम करेगा वो आएगा, हम तो जिनको का जो काम करेगा उसको वोट देंगे साहब, समझे? और कांग्रेस को आनी भी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस, लोगों को सरेंडर सस्ता कर दिया गेस, समझे? पहली बार मतलब भाव जहाँ ऊपर बढ़ने की वजह पीछे आए, समझे? बिजली के बिल पे 100 यूनिट फ्री कर दिए, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज की सुविधा है भाई साहब, बहुत क्या। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। कहाँ रहते हो? किशनपोल। आपके जो मौजूदा विधायक साहब हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, और इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो, कांग्रेस या BJP या फिर आम आदमी या फिर AIM? ओनली फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। किशनपोल से अमीन भाई 101% जीत रहे हैं चुनाव, और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आप कभी समस्या लेकर गए तो सुनवाई करिए आपकी? जब भी जाते हैं कोई भी समस्या लेके, पहली फुर्सत में अमीन भाई उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को समझ के फौरन उस काम को ध्यान करके करवाते हैं, और उनके काम काज की कोई बुराई नहीं है। भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं नारी के नाके रहता हूँ, नाम रईस खान। इस बार किसको सरकार चुन रहे हो और कहाँ वोट पड़ने वाला है आपका? भाई साहब हमारा टैगोर पब्लिक स्कूल के अंदर वोट पड़ता है नारी के नाके का, जो कि अमीन भाई ने 5 साल बहुत बढ़िया काम करा है, रोड वगैरह, सिविल लाइन वगैरह, बोरिंग वगैरह
सारी सुविधा 5 साल के अंदर जो हुई है ना, वो कभी नहीं हुई। 15 साल मोहनलाल गुप्ता ने राज करा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। 5 साल अमीन भाई ने काम कराया, जो कि बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा, आपके यहाँ कई नए नए विधायक आए हैं और आकर चले जाते हैं, तो इस बार 4.5 साल अमीन कागजी ने आपके यहाँ विधानसभा में कार्यकाल उनका रहा, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका 5.5 साल? तो 15 सालों में हुआ नहीं था ना वो काम, हमारे यहाँ 4-4.5 साल में उन्होंने करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया, किस तरह? कोई काम बाकी नहीं है जो अमीन भाई के थ्रू नहीं हुआ, सारे काम हुए सिविल लाइन से, सड़क से, और जो भी मूलभूत सुविधाएं थी यहाँ की, सारी परेशानियाँ सब दूर की उन्होंने। कब्रिस्तान की भी उन्होंने काम कराए, शमशान की भी कराए, हर तरह का काम किया उन्होंने। कार्यकाल से खुश है आप? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका, और दोबारा आने चाहिए वो। वही आने चाहिए। आप क्या कहोगे? अमीन कागजी नहायत ही ईमानदार और अच्छा MLA, ऐसा MLA किशनपुर क्षेत्र को आज पहले कभी नहीं मिला। इसने करीब 300 करोड़ के काम जो है मतलब स्वीकार करवाए और काम को फील्ड तक पहुंचाया है, और हम भविष्य में ये कामना करते हैं कि आए इनके साथ, हम खुलकर साथ हैं, और मालिक ने चाहे तो इनको जिता के भिजाएंगे, और जो इनके विरोधी उनके दांत खट्टे करके बताएंगे। जी बहुत बढ़िया का हमारे यहाँ काम करा इन्होंने, बहुत बेहतरीन काम करा उन्होंने। जो काम हमारे 15-20 साल में नहीं हुए ना, वो काम हुए हमारे, और आने वाले टाइम में जो काम बाकी रह गए हम चाहते हैं कि दोबारा लाएंगे, फिर वही उससे भी बढ़िया काम हो जाएंगे हमारे। चलिए, आपने काफ़ी सारी इनकी तारीफें की, तो क्या समस्याएं थी जो 15-20 साल से हो नहीं पाई? उस समस्या में सिविल लाइन की परेशानी थी, पानी की प्रॉब्लम थी, लाइटों की प्रॉब्लम थी, जो रोड पर लाइटें वगैरह नहीं थी। विकास अच्छा हुआ हमारे यहाँ, सब कुछ अच्छा हो गया, सारे काम अच्छा हुआ। अभी क्या और रह गया है विकास? अभी जो लाइनें जो गवर्नमेंट जो अलाउ कर रही है वो और आने का, और जो सुविधा जो नहीं मिली हमें वो सुविधाएँ मिली हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं कमी को लेकर, तो क्या कमियां रही? और कमियां तो कोई नहीं रही यहाँ पे। अब जो पुरानी सिविल लाइन है जयपुर की, सबसे पुरानी लाइन है, अब वो कमी रह गई थी, उसको भी उन्होंने अभी बजट के अंदर ले लिया अपने। जो नेक्स्ट इनका अभी होगा कार्यकाल, उसके अंदर वो काम भी पूरा हो जाएगा। 278 करोड़ की योजना अभी सिविल लाइन के लिए पास की, ओल्ड सिटी की, वो काम बाकी था, वो भी हो जाएगा। और बाकी तो खुश रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, और सभी समाज के लिए, किसी भेदभाव नहीं, कोई किसी तरह का कोई। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शमशुद्दीन कुरैशी, वार्ड नंबर 62, जयाउद्दीन कॉलोनी। अगर हम बात करते हैं 4.5 साल की, आपके जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा है। अच्छा रहा, बिल्कुल, सभी वार्डों में उन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे हिंदू वार्ड हो या मुसलमान वार्ड हो, किसी में भी सब में अच्छा काम। आपने कहा कि अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया मैं जानना चाहूँगा। रोड, सिविल लाइन, नल, लाइटें, रोड पे लाइटें लगवाई हैं काफ़ी, और सभी जो भी कोई ज़रूरत की चीज़ होती है आते हैं, खुद बताते हैं उनको, तो करते हैं वो। किशनपुर विधानसभा में तो क्या कहेंगे आप, क्या अमीन कागजी फिर से आना चाहिए या फिर जो नए प्रत्याशी है उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, अमीन कागजी को आना चाहिए, नए प्रत्याशी अभी इस योग्य हैं तो वो आएंगे, नहीं तो वरना यही आएंगे, इस योग्य तो कोई अभी आया नहीं सामने। सही है, मतलब बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, हाँ बहुत अच्छे है, सबके कार्य काम करते हैं, बढ़िया हैं। कई बार नए प्रत्याशी भी कहीं देखने को मिल रहे हैं तो, लेकिन पुरानों का अनुभव जो होता है वो तो अलग ही बात है, नए को अभी इतना तजर्बा नहीं होता है, जो पुराना होता है उसको तजर्बा होता है ज़िंदगी का भी और वैसे भी। इनके कार्यकाल से खुश है आप? हाँ बिल्कुल खुश है, बहुत बढ़िया आदमी, काम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसी बात हो। जी भाई, अमीन कागजी साहब बहुत अच्छे नेता जी है और सभी के लिए काम करते हैं, किसी एक के लिए काम नहीं करते, और सबको निगाह में रख के वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। काम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम करता है। आने अभी जो इलेक्शन है उसमें भी यही आएंगे, 100% अमीन कागजी आएंगे।